जगजीत दीदी हेयर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम मिस्टर क्राफ्ट में कार्डबोर्ड शीट पर एग की शेप में काट कर उसके ऊपर डिजाइनर पेपर पेस्ट करके गोटा पेस्ट करेंगे, गोटे से डेकोरेट करके डिफरेंट बनाएंगे। करते हैं स्टार्ट। इस तरह से कोई भी आप कार्डबोर्ड शीट ले लें, इस तरह से कोई भी आपके पास कार्डबोर्ड शीट हो उस पर कोई भी एग, कितना बड़ा भी आपका जितना दिल करता है उतना बड़ा इस तरह से एग की शेप काट लें। इस तरह से काट कर आप रख लें। फिर इस तरह से जो पेपर है, आपने जो भी पेपर पेस्ट करना है वो पेपर इस एग शीट से आधा आधा इंच छोड़कर आप गोलाई में काट लें और उसे इसके ऊपर पेस्ट कर दें। और जो अंदर का हिस्सा है वो इसका थोड़ा, इससे थोड़ा छोटा कटेगा, आधा इंच छोटा कटेगा। जैसे ये एग है इसके आधा इंच छोटा कटेगा। इस तरह से ये मैंने काट कर रखा है। देखें बड़ा पेपर इतना बड़ा होगा ताकि आप अंदर की तरह इस तरह से पेस्ट कर सकें। ये मैंने पेस्ट करके रखा है इस तरह से, देखें। और मैंने ये गोटा लगाकर आगे की तरफ रखा है, पीछे की तरफ ये आधा इंच छोटा काटा है, इसे हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। देखें इसे आप इसके ऊपर पेस्ट कर दें इस तरह से। मेन बात मैं आपको गोटा लगाना सिखा रही हूँ, एग शेप के ऊपर हम गोटा कैसे लगा सकते हैं, इसे कैसे डिफरेंट बना सकते हैं गोटा लगा के। देखिए इस तरह से आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर दें। देखिए इस तरह से इसको हम प्रॉप बनाने जा रहे हैं, लॉन या गार्डन के लिए प्रॉप बनाने जा रहे हैं। अब मैं इस तरह से ये लेकर इसके किसी भी बड़े डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से ये गोटा लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी, यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे इस तरह से। और गोटे का आपके पास जो भी पीस है आप पीस कर लें या इस साइज के काट के रख लें या फिर आप हाथ के हाथ भी काट सकते हैं। इस तरह से देखें ये मैंने लगा दिया। देखिए ये इस तरह से गोटा लगा हुआ है ना, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। ये प्लेन था तो प्लेन इस तरह से लग रहा है, गोटा लगाने से डिफरेंट लुकिंग आ जाती है। अब मैं इसके ऊपर सभी पीसेस के ऊपर गोटा लगाकर दिखाती हूँ आपको। देखिए जैसे ऑरेंज पे मैंने लगाना शुरू किया है तो मैं ऑरेंज पे लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया, जो हिस्सा ज़्यादा होगा हम उसे काट सकते हैं बाद में। फिर इस तरह से मैं यहाँ पर लगाऊंगी, ग्लू लगाते हैं और एक एक छोटा छोटा जो भी आपके पास गोटा है, आप गोटे को बड़ा है तो छोटा कर लें, छोटा है तो आप उसे काट कर बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा खाली रह गया है तो मैं एक दूसरा पीस लेकर इसके ऊपर चिपका सकती हूँ इस तरह से, और यहाँ से हम इसे काट सकते हैं। देखिए इस तरह से फिर यहाँ पर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से आप पेस्ट कर दें, एक्स्ट्रा हिस्से को आप काट दें इस तरह से। बड़ा डिफरेंट हो जाता है गोटा लगाने से ना, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। नीचे की तरफ भी ऑरेंज है, यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा गोटा लगाने से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो बीच में भी लगा सकते हैं इस तरह से, ये प्लेन गोटा है जैसे, ये देखिए इस तरह से भी लगा सकते हैं आप। इसको यहाँ से काट दें, यहाँ से भी ये काट दें बुर बुर इसके। आप चाहें तो दूसरे कलर पे भी लगा सकते हैं पर ज़्यादा गौडी गौडी हो जाएगा, तो मैंने इतना ही लगाया है। आप चाहें तो ये इतना लगाएं या बीच में एक और लगा सकते हैं। मैं एक और लगा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लगा दिया, यहाँ से काट दे। ये देखिए अब ये इस तरह से थोड़ा डिफरेंट हो गया, प्लेन से थोड़ा हटके इस तरह से बड़ा अच्छा सा हो गया। कितनी अच्छी लुक आ रही है आप देख सकते हैं। हम इस पर अब स्टिक लगाएंगे, इसे प्रॉप बनाना है हमने। हम यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाएंगे और ये स्टिक इस तरह से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, ये लॉन में या गार्डन पर लगाने के लिए बहुत सुंदर बना है। देखिए आप देख सकते हैं गोटे से कितना सुंदर हो गया डिफरेंट। आप देख सकते हैं इस तरह से लुकिंग कितनी डिफरेंट हो गई है इसकी, देखें। फिर आप इसके ऊपर भी छोटा सा कोई पीस डिजाइनर लगा सकते हैं, जो भी आपके डिजाइनर पीस हो। इस तरह से आप इसको काट कर इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। देखें आप इस तरह से इसके ऊपर डिजाइनर पीस लगा सकते हैं ताकि ये छुप जाए। यहाँ पर ग्लू लगाए, इसको लगाएं, फिर बीच में ग्लू लगाएं, यहाँ लगाएं, फिर यहाँ ग्लू लगाएं, इसको इस तरह से यहाँ ग्लू लगाएं, इसे बंद कर दें।
तो ये इस तरह से बड़ा सुंदर हो जाता है। अब देखें इस तरह से लुक आ गई इसकी, देखें कितना सुंदर लग रहा है, देखें।